प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम विदेशी व्यापार क्या कहलाते हैं इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो बताया था पूर्व में कि जो है व्यापार व्यवसाय दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार वो व्यापार जो कि दो देशों के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होता है, अर्थात दो देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय से है। तो जब कोई व्यापार व्यवसाय के दो देशों के बीच किया जाता है तो वह हम विदेशी व्यापार उसको कहते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आंतरिक व्यापार जो कि एक देश की सीमा के अंदर होता है तो उसकी प्रक्रिया सरल होती है, लेकिन जब वही व्यापार दो राष्ट्र या दो देशों के बीच में होने लगता है तो वहां पर कुछ जटिलताएं सामने आने लगती है, जिसमें आयात निर्यात, आयात मतलब यहां पर माल को खरीदना और निर्यात मतलब माल को यहां दूसरे देश को बेचना। तो आयात निर्यात संबंधी जो नीतियां होती हैं प्रत्येक देश की अलग अलग होती हैं। फिर व्यापारिक संधियां किस प्रकार की हैं, साथ ही व्यापार व्यवसाय उद्योग से संबंधित जो नीतियां हैं वो किस प्रकार की हैं, ये इस प्रकार से बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं। तो यहाँ वस्तुओं का निर्यात एवं आयात उतना सरल व सीधा नहीं होता जितना कि घरेलू बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय करना सरल होता है, अर्थात आंतरिक व्यापार में वस्तु का क्रय विक्रय करना सरल होता है, लेकिन विदेशी व्यापार में निर्यात आयात की नीतियां जो है जटिल होने के कारण ये व्यवसाय उतना सरल नहीं होता। यहाँ पर निर्यात और आयात में जब के अंतर्गत वस्तुएं एक देश से खरीदी और बेची जाती हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो विदेशी मुद्रा की आती है। क्यों? क्योंकि जो देश अपना माल दूसरे देश को माल बेचता है वो उसका भुगतान जो है वो अपनी देश की मुद्रा में प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के साथ साथ अनेक औपचारिकताओं को उसको पूरा करना होता है। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं जो विदेशी व्यापार की स्थिति में सामने आती हैं वो यहाँ पर हम देखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विदेशी व्यापार जब एक व्यापारी के द्वारा किया जाता है तो निर्यात और आयात प्रक्रिया से उसको गुजरना होता है, अर्थात एक देश के द्वारा जब किसी दूसरे देश से माल मंगवाया जाता है तो उसको आयात संबंधी माल को खरीदने से संबंधित जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरे करनी होती हैं। उसी प्रकार से दूसरा देश जिस देश को माल बेच रहा है, निर्यात कर रहा है, उसको भी अपनी निर्यात संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। तो यहां हम दो रूपों में देखेंगे कि निर्यात प्रक्रिया और आयात प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्यात प्रक्रिया क्या है। इसमें जो है प्रत्येक निर्यातक को बाजार सर्वेक्षण एवं उन क्षेत्रों की पहचान करनी होती है जहां पर कि माल का निर्यात किया जा सकता है, अर्थात माल को जहां पर बेचा जा सकता है। तो यहां पर जो है निर्यातक जो है वो उन क्षेत्रों का सर्वे करता है, उन देशों के मार्केट को पहचानता है, जानता है जिन देश के मार्केट में वहां पर वो अपने माल को बेच सके। तो यहां पर जो है निर्यातक को कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं जो है निभानी होती है। तो सबसे पहले तो क्रेता के द्वारा उसको पूछताछ के संबंध में एक पत्र की प्राप्ति होती है। आयातक के द्वारा जो है निर्यातक से जो माल खरीदना है इस संबंध में आयातक जो है निर्यातक को एक पत्र भेजता है। इसमें आयातक को जो वस्तुएं खरीदनी होती हैं वो इस संबंध में पत्र भेजता है जिसके जवाब पर निर्यातक जो है एक कच्चा बीजक आयातकर्ता के पास भेजना होता है। इसमें माल का पूरा विवरण व मूल्य व शर्तों का ब्यौरा होता है। तो यहाँ आयातक के द्वारा सबसे पहले निर्यातक के पास एक पूछताछ संबंधी पत्र भेजा जाता है। निर्यातक उस पूछताछ संबंधी पत्र को प्राप्त करता है, उसका अध्ययन करता है और उसके जवाब में जो वस्तुएं वो क्रेता के पास भेजने के लिए तैयार है उनके लिए कच्चा बीजक तैयार करके आयातकर्ता के पास उसको भेजता है। तो ये हो गया पूछताछ संबंधी पत्र की प्राप्ति और उसका जवाब। अब जब क्रेता को जवाब प्राप्त हो गया तो क्रेता जो है उस जवाब से संतुष्ट होकर क्या करेगा, आदेश या इंडेंट की उसको एक कॉपी भेजेगा। वो आदेश या इंडेंट जब यहाँ पर विक्रेता को प्राप्त होगा तो यहाँ पर आयातकर्ता जब संतुष्ट हो जाता है तो वह वस्तु का आदेश या इंडेंट देता है। इसका कोई एक निर्धारित प्रपत्र नहीं होता, ये आदेश या इंडेंट जो है आयातक के द्वारा किसको भेजा जाता है, निर्यातक को भेजा जाता है।
इस अनेंट में जो है आदेशित वस्तु की क्या होती है, जानकारी होती है कि किस प्रकार की वस्तु जो है उसको आवश्यक है, चाहिए है। तो यहां दूसरा बिंदु जो इसमें हो गया, आदेश या इंडेंट की प्राप्ति निर्यातक को प्राप्त होना। अब निर्यातक की जो तीसरी यहां पर चरण है वो साख के बारे में पूछताछ। अब यहां पर आयातक ने जिन वस्तु के लिए उसको आदेशित किया, इंडेंट भेजा है, वो वस्तु में जो निर्यातक से यहां पर खरीदना चाह रहा है, तो यहां पर जो है निर्यातक आयातक की साख संबंधी जो उसका आधार है उससे क्या है, संतुष्ट होना चाहता है कि यदि वो आयातक को माल भेजता है तो उसका भुगतान समय पर प्राप्त होगा अथवा नहीं। तो इंडेंट प्राप्त होते ही निर्यातकर्ता को आयात करने वाले की साख के बारे में पता करना आवश्यक होता है। उसको संतुष्ट होना होता है कि निर्यात किए जाने वाले माल का जो भुगतान है वो समय पर प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आयातक कर क्या करता है, अपने बैंक में जो उसका अपना बैंक है, जिस बैंक से उसका लेन देन होता है, उससे एक साख पत्र प्राप्त करता है। ये साख पत्र जो होता है ये आयातक के लिए क्या गारंटी के समान होता है कि निर्यातक यदि उस पत्र के माध्यम से जो है उसको माल को बेच सकता है और इस आधार पर वो समय पर उसका भुगतान प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है निर्यातक के लिए गारंटी का कार्य करता है, कौन सा, साख पत्र। तो साख के बारे में जो है निर्यातक आयातक की साख के बारे में अर्थात भुगतान करने की क्षमता के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। फिर निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। अब यहां पर जब निर्यातक संतुष्ट हो जाता है कि जो माल आयातक को बेचेगा उसका भुगतान उसे प्राप्त हो जाएगा, तो निर्यातकर्ता जो है जिन वस्तुओं का आयात उसके द्वारा किया जाना है उन वस्तुओं के लिए निर्यातकर्ता जो है निर्यात लाइसेंस लेता है, अर्थात उन वस्तुओं का निर्यात करने के लिए बेचने का लाइसेंस जो है निर्यातक द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें सबसे नंबर एक रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक से अपना एक खाता खोलना पड़ता है निर्यातक को। फिर दूसरा जो है क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंस अधिकरण से आयात निर्यात कोड संख्या प्राप्त उसको करना होती है, किसको, निर्यातक को। तीसरा बिंदु जो इसमें है निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकरण कराना पड़ता है निर्यातक को। यहाँ पर निर्यातक जो है निर्यात संवर्धन परिषद में अपना पंजीयन कराता है। और नंबर चार जोखिम ना भुगतान ना होने की जोखिम से बचने के लिए निर्यात साख गारंटी निगम में पंजीकरण यहाँ पर कराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इन बिंदुओं के आधार पर निर्यातक जो है निर्यात उन वस्तुओं को जिन वस्तुओं को आयातक को बेचना है उनके संबंध में लाइसेंस प्राप्त करता है। यहां तक की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद अब पूर्व शिपिंग वित्त, अर्थात जहाज में माल को ले जाने से पूर्व जो है वित्त की व्यवस्था करना। तो साख पत्र यहां पर जब उसको प्राप्त हो जाता है निर्यातक को, तो उसके आधार पर जो है निर्यातकर्ता अपने बैंक से कच्चा माल, पुर्जे, बैंक पैकिंग, परिवहन आदि के लिए जो है पूर्व शिपिंग वित्त धनराशि प्राप्त करता है। तो पूर्व शिपिंग वित्त। इसके बाद की प्रक्रिया फिर वस्तुओं का उत्पादन या उनका संग्रहण करना। तो अब यहां पर जो है पूर्व शिपिंग वित्त प्राप्त हो जाने के बाद उसके आधार पर जो है निर्यातकर्ता जो है दिए गए इंडेंट के या निर्देश के आधार पर वस्तुओं को क्या करता है, तैयार करता है। उत्पादक द्वारा निर्यात आयातक के द्वारा जिन वस्तुओं की डिमांड की गई है उन वस्तुओं को वो क्या करता है, तैयार करता है। अब ये वस्तुएं यदि वो तो स्वतः उत्पादन कर सकता है या स्वयं उत्पादन नहीं करता तो फिर वो दूसरी जगह से उनको परचेज करके अवेलेबल कराता है। तो वस्तुओं का उत्पादन करना या आयातक को भेजे जाने वाली वस्तुओं की व्यवस्था करना। फिर इसके बाद जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण। अब जिस जहाज से माल को भेजा जाना है तो यहां पर उस माल का क्या होगा, पहले निरीक्षण होगा। जो माल आयातक को भेजा जा रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच हेतु उसका निरीक्षण जो है एजेंसी द्वारा किया जाता है। उसके बाद उसे निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, अर्थात जो माल दूसरे देश में भेजा जा रहा है
निर्यात किया जा रहा है वो माल सही है, उसकी क्वालिटी सही है अथवा नहीं। ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे उस देश की क्या जुड़ी होती है, साख जुड़ी होती है। यदि किसी देश द्वारा दूसरे देश को घटिया माल भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादनकर्ता के साथ साथ उस देश की भी जो छवि है, साख है, वो क्या होती है, खराब होती है। तो इसके लिए निरीक्षण प्रमाण पत्र जो है निर्यात के समय जो है अन्य प्रलेख के साथ जमा करना आवश्यक होता है। फिर उत्पाद शुल्क, निर्यातक के द्वारा जो निर्माण वस्तुओं में लगी सामग्री पर उत्पाद शुल्क भी उसको चुकाना होता है। यहाँ उत्पाद कमिश्नर द्वारा संतुष्ट होने पर उत्पाद क्लियरेंस दिया जाता है। उत्पाद शुल्क जब निर्यातक के द्वारा चुका दिया जाता है तब उत्पाद कमिश्नर जो है अधिकारी जो है सेटिस्फाई होने के बाद उसको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है। तो उत्पाद शुल्क से संबंधित सर्टिफिकेट। अब मूल देश का प्रमाण पत्र, ये क्या है, कुछ देशों में आयात करके संबंध में छूट लेने के लिए आयातकर्ता के मूल देश का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अर्थात आयातक जो माल मंगवा रहा है वो अपने ही देश में बेचने के लिए माल को मंगवा रहा है। इस आशय से आयातकर्ता के द्वारा एक प्रमाण पत्र, मूल देश का प्रमाण पत्र कहलाता है, वो निर्यातक के पास भेजा जाता है। और इसमें यह स्पष्ट भी किया जाता है कि निर्यातित माल देश में ही उत्पादित किया गया है और यहाँ पर जो है निर्यातक के द्वारा जो माल उत्पादित किया गया है वो उसके अपने ही देश में उत्पादित किया गया है। तो ये मूल देश का प्रमाण पत्र। इसके पश्चात शिपिंग आदेश प्राप्त करना। अब यहाँ पर जब माल को तैयार कर लिया गया तो जहाज रानी कंपनी से शिपिंग आदेश प्राप्त करता है। शिपिंग आदेश में जहाज के कप्तान को लिखा जाता है कि विशिष्ट वस्तु को कस्टम औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद बंदरगाह पर जहाज में रख लिया जाए। शिपिंग आदेश क्या है, ये ऐसा आदेश है जिसमें जहाज का कप्तान को ये लिखा जाता है कि माल के संबंध में जो भी कस्टम संबंधी औपचारिकताएं जो है वो पूर्ण हो गई है और माल को जो है बंदरगाह पर ये जहाज में रख लिया जाए। फिर पैकिंग एवं प्रेषण, जिस वस्तु का निर्यात किया जाता है वह उचित प्रकार से पैक होनी चाहिए। पैक किए गए माल की पहचान के लिए उचित मार्क लगाना चाहिए। पैकिंग के बाद जो है माल को बंदरगाह तक पहुंचाने, कस्टम औपचारिकताएं पूरी करने और लदान के कार्य जो है आसानी से किए जा सकते हैं। इसके बाद फिर सामुद्रिक बीमा कराना। सामुद्रिक जोखिम से बचने के लिए बाढ़, तूफान या किसी भी प्रकार की जो नुकसान जिससे माल को हो सकता है, इस जोखिम से बचने के लिए निर्यातकर्ता जो है वो सामुद्रिक बीमा उसको कराना पड़ता है और इसका प्रीमियम जो है उसके द्वारा चुकाया जाता है और उसके पश्चात जो है विभिन्न कस्टम संबंधी औपचारिकताएं उसके द्वारा पूरी करनी होती है। और इसके अलावा जो है बीजक तैयार करना, निर्यात संबंधी व्यवस्था के उपरांत जो है निर्यातकर्ता को बीजक तैयार करना पड़ता है। अब ये बीजक क्या है, बीजक जो है जिसमें भेजे गए माल और वस्तु की संबंध में संपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें वस्तु की मात्रा किस प्रकार की, उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है और किन साधनों से उसको भेजा जा रहा है, कब तक भेजा जाएगा, उसका भुगतान किस प्रकार से होगा, किस स्थान पर उसको भेजा जा रहा है, ये सारी चीजें जो है बीजक में दर्ज होती है और बीजक के आधार पर ही जो है यहाँ पर आयातक माल का क्या करता है, मिलान करता है। और अंतिम जो है यहाँ पर मैट रसीद। मैट रसीद क्या है, बीजक तैयार करने के बाद माल को जहाज पर जब रखवा लेते हैं तो माल को जहाज तक लाया जाता है और जहाज का मैट जो है वो एक रसीद देता है जो कि मैट रसीद कहलाती है। जब जहाज पर माल को रखा जाता है तो वहां पर जो मैट होता है उस मैट के द्वारा रखे गए माल की क्या दी जाती है, एक रसीद दी जाती है कि इस जहाज में इस तरह का इतना माल रखा गया है, वो कहलाती है मैट रसीद। तो ये जो है ये निर्यातक के द्वारा की जाने वाली, माल के निर्यात के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया है। अब दूसरा यहाँ पर जो है वो है आयातक द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया। आयातक कौन है, जो यहाँ पर माल को खरीदने वाला, माल का क्रेता, ये कौन है, आयातक है। तो आयात व्यापार से आशय जो है विदेश से वस्तुओं के क्रय से होता है, माल को खरीदने से होता है।
आयात प्रक्रिया जो है प्रत्येक देश में उसकी आयात एवं सीमा नीतियों पर निर्भर करती है। इसके लिए जो है निम्न प्रक्रियाएं करनी होती, तो दूसरे देश से माल को खरीदना जो है वो आयात करना कहलाता है, और इस आयात संबंधी जो प्रक्रिया है वो उस देश की आयात नीति और उस देश की जो है व्यापारिक सीमा नीति पर निर्भर करती है। तो इस संबंध में जो निम्न प्रक्रिया करनी होती है, सबसे पहले वहीं पर कि यहाँ पर जो है आयातक क्रेता के द्वारा जो है व्यापार के संबंध में जानकारी पूछताछ करना। तो यहाँ पर जो है आयातक क्या करता है, सर्वप्रथम बाजार से जानकारी प्राप्त करता है कि कौन सी वस्तु उसको किस स्थान से या किस देश से या किस फर्म से प्राप्त हो सकती है, साथ ही उस देश से माल मंगाने के संबंध में फर्म की शर्तें क्या होंगी, उसका मूल्य क्या होगा, इस सब की जानकारी जो है विभिन्न फर्मों से वो प्राप्त करता है। तो सबसे पहले आयातक के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है वो अपनी आवश्यक वस्तु की जानकारी प्राप्त करता है कि किस देश से और किस देश की फर्म से उसको वस्तु प्राप्त हो सकती है, और उस वस्तु को मंगाने के संबंध में उसकी मूल्य, उसकी शर्तें और भी विभिन्न जानकारी किस प्रकार की है वो उन फर्मों से संपर्क करके प्राप्त करता है, वो व्यापार संबंधी पूछताछ। फिर दूसरा आयात लाइसेंस प्राप्त करना, खुले सामान्य लाइसेंस श्रेणी में आने वाली वस्तुओं को जो है बिना रोक टोक विदेश से मंगाया जा सकता है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो खुले सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में आती हैं, अर्थात उन देशों के बीच में जो व्यापारिक संधि के अंतर्गत ये तय होता है कि ये वस्तुएं जो है इनमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो खुले सामान्य लाइसेंस वाली वस्तुएं कहलाती हैं, इनको हम बगैर रोक टोक के विदेशों से मंगवा सकते हैं, किंतु कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, इसके लिए जो है आयात लाइसेंस प्राप्त करना होता है, विशिष्ट प्रकार का उसको लाइसेंस जो है वो उस वस्तु को खरीदने के लिए उस देश अपने देश से प्राप्त करना होता है। तो पहली चीज हो गई व्यापार संबंधी उसको पूछताछ करना, फिर दूसरा आयात लाइसेंस अर्थात माल को खरीदने के संबंध में लाइसेंस प्राप्त करना, फिर तीसरा बिंदु आता है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। अब जो माल वो विदेश से मंगवा रहा, दूसरे देश से मंगवा रहा, तो उसका भुगतान जो है विदेशी मुद्रा में करना होता है, तो आयातित वस्तु का भुगतान करने के लिए उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी होती है। इसके लिए उसे रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग में प्रार्थना पत्र देना होता है, ताकि वो अपनी देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट कर सके और उसे प्राप्त कर सके, विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। ये प्रक्रिया हो जाने के बाद फिर वो ऑर्डर देता है, आयात लाइसेंस प्राप्त करने के बाद जो है आयातक निर्यातक को ऑर्डर या इंडेंट भेजता है कि किस प्रकार का माल, कौन सा माल उसको चाहिए। तो ये इंडेंट भेजना, आदेश भेजना, इस इंडेंट आदेश में जो है आयातित वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। फिर साख पत्र प्राप्त करना, अब यहाँ पर आयातक के द्वारा जो अपने बैंक से उसका एक गारंटी पत्र होता है, जिसके आधार पर जो है निर्यातक उसको माल बेचने के लिए सहमत होता है। ये साख पत्र जो है निर्यातित माल के भुगतान पत्र का क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर आयातक बैंक से साख क्षमता का प्रमाण पत्र प्राप्त करके निर्यातक को भेज देता है। फिर सूचना पत्र प्राप्त होना, इसके पश्चात निर्यातक निर्यातकर्ता से इस आशय का परामर्श पत्र प्राप्त होता है कि माल जो है आयातक के अनुसार जो है भेज दिया गया है, साथ ही जानकारी दी जाती है कि माल किस समय बा किन साधनों से और किस समय पहुंचेगा, ये सूचना पत्र या परामर्श पत्र के माध्यम से निर्यातकर्ता जो है आयातकर्ता को पास भेजता है। फिर विनिमय पत्र प्राप्त करना, सूचना पत्र के बाद साथ ही एक विनिमय पत्र भी प्राप्त होता है, जो बैंक के द्वारा स्वीकृत की के लिए भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात निर्यातक के द्वारा विनिमय पत्र भी भेजा जाता है जिस पर बैंक के द्वारा स्वीकृति दी जाती है कि हाँ इससे भुगतान किया जा सकता है। अंतिम बिंदु यहाँ पर है कस्टम तथा माल प्राप्त करने संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करना। अब यहाँ पर आयातक द्वारा जो है आयात संबंधी सभी प्रलेख प्राप्त होने पर आयातकर्ता जो है कस्टम प्राप्त करने की औपचारिकताओं को पूरा करता है। जहाज के बंदरगाह पर जो है पहुंचने पर जहाज के मास्टर को इसकी सूचना कस्टम अधिकारी को 24 घंटे के अंदर देनी होती है। ये जानकारी जो है एक रिपोर्ट के रूप में
दी जाती है जिसे हम जहाजी रिपोर्ट कहते हैं। तो जहाजी रिपोर्ट क्या है? जहाजी रिपोर्ट जैसे है, इसके अंतर्गत जब माल बंदरगाह पर पहुंच जाता है तो इसकी सूचना जो है कस्टम अधिकारी को 24 घंटे के अंदर प्रदान की जाती है। इसमें रिपोर्ट में जो है माल के संबंध में समस्त जानकारियां दर्ज होती हैं, वो कहलाती है जहाजी रिपोर्ट। इसके बाद आयातकर्ता को माल के संबंध में पूर्ण जानकारी देनी होती है जिसे हम बिल ऑफ साइट कहते हैं। इसके बाद माल प्राप्त करने के लिए दो और प्रपत्र भरने होते हैं जिसमें एक प्रपत्र बिल का प्रवेश फॉर्म होता है और दूसरा जो है आयात के लिए प्रार्थना पत्र होता है। इन प्रपत्रों को जो भरकर है एक कार्यालय में जमा करना होता है जहां माल को उतारने संबंधी व्यय का भी भुगतान करना होता है। इन प्रपत्रों की दूसरी प्रति जो है कस्टम कार्यालय में देनी होती है। यदि माल पर आयात कर अदा करना यहाँ पर होता है और उसका भी उसको क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार से सभी आवश्यक भुगतान करने के उपरांत ही जो है यहाँ पर आयातक को माल प्राप्त होता है। तो इस आधार पर यहाँ हमने देखा कि निर्यातक के द्वारा जब माल का निर्यात किया जाता है तो उसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की जो औपचारिकताएं या प्रक्रिया पूरी की जाती है वो, साथ ही आयातक यदि दूसरे देश से माल को मंगवाता है तो उसके द्वारा भी कौन सी प्रक्रिया या औपचारिकताएं उसको पूरी की जानी होती है, ये हमने इस अध्याय के अंतर्गत यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर जो दो प्रश्न है, विदेशी व्यापार से आयातक द्वारा माल आयात किए जाने वाली संबंधित प्रक्रिया को समझाइए और दूसरा जो है निर्यातक द्वारा माल निर्यात किए जाने के संबंध में की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया को समझाइए।